हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा जिंदगी प्यार। सुजीत को नहीं छोड़ेंगे, तुम आने दे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज चलो सुजीत, मैं परेशान हो चुकी हूँ, सच बता रही हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं सुजीत, तुम जाओ मत, सुनो तो सही, तुम जाओ मत, बात सुनो, बात समझ ले, ठीक है ना? आप लोग सब जानते ही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ बिगड़ गया है कि समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सुजीत ने राहुल अंकेश को मारा, उसके बाद दोनों सुजीत पर हावी हुए। मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। विकास भैया भी नहीं है, सुजीत भी नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे सब कुछ ठीक होगा। इतना सब हो गया कि राहुल ने भी मुझे बोला, अंकेश ने भी बोला कि सुजीत पांडे की टीम छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारी एक नई टीम होगी। जिस इंसान ने उन्हें जीरो से इतना ऊपर चढ़ाया, आज वो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सब कुछ बिगड़ गया है। भैया भी नहीं है जिनसे मैं बात करके कुछ सॉल्व करूं, कुछ करूं, सुजीत भी नहीं है। मैं सुजीत को बुलाती हूं, उनसे ही बात करती हूं कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। राहुल अंकेश समझ नहीं आ रहा वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। भाई भाई के खिलाफ में इतना ज़्यादा हो रहा है कि भाई भाई के खिलाफ हो रहा है। मार देंगे, सुजीत को नहीं छोड़ेंगे। मैं सुजीत से ही बात करूँ कि क्या करना क्या है। हेलो हेलो, अंकिता कहाँ हो तुम? है बाहर में, बोल क्या हुआ? मुझे बात करनी है तुमसे थोड़ी। हाँ तो बोलो। मिल के बात करनी है, फोन पे नहीं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आओ तुम पहले। कहाँ हो? यही हूँ मैं, पार्क में हूँ। ठीक है भेजो लोकेशन, मेरी बात है, जल्दी आओ। A few moments later. हाँ? क्यों रो रही है? अबे सुन, क्या हुआ है? अरे रो क्यों रही है? अबे क्या हुआ है, क्यों रो रही है? हाँ? हुआ क्या बताएगी? चुप कर, चुप हो जा पहले, क्या हुआ बता। सब कुछ बिगड़ रहा है सुजीत। क्या बिगड़ रहा है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तुम भी नहीं हो, कोई भी नहीं है। हम क्या करेंगे पहले बता, पहले सामने खड़ा हो जाओ, क्या करेंगे हम आके बता। क्यों उन लोगों के साथ आके रहे हम? ऐसे थोड़ी ना होता है सुजीत, मतलब इसी के लिए बुलाए थे क्या हम? ये सब करने के लिए उन लोगों को बुलाए थे? हर इंसान का कुछ सपना होता है, हम अपना सपना साकार करने के लिए आए थे, इसमें ये लोग ये कर रहे हैं। अगर हम जानते कि ये सब मेरे साथ ऐसा करता तो कभी बुलाते ही नहीं। तो फिर क्या करना है? दुनिया से लड़ सकते हैं हम, पर अपने से नहीं लड़ा जाता है, ठीक है? तुम ये लोग मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो तुम छोड़ के बुलाए, हर चीज दिए, सबको दिखाए, प्लेटफॉर्म हर चीज दिए, हमसे ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? और ये टीम क्यों भी कह रहे हो? जो भी हो रहा है ठीक करो ना सुजीत, तुम संभाल रहे हो ना सब कुछ? क्या ठीक करे बता, ये जो बिगड़ रहा है सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। हट गए कि देखना रहेगा ना, कोई बात बढ़ेगा। हटने से नहीं होता सॉल्यूशन सुजीत, किसी भी चीज का हटने से नहीं होता है, उसको ठीक करना पड़ता है जब बिगड़ रही है चीजें। तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं संभालेगा। राहुल और अंकेश अपने गुस्से में, तुम अपने गुस्से में लग गए हो, सब कुछ बिगड़ जाएगा। कि हम गलती किए हैं? क्या गलती किए हैं पता? किसने कहा तुम गलती किए? हम गलती किए हैं उन लोगों को बुला के,
तुमने समझा के क्या कर रहे हैं, एक एक चीज बताएं। पता है तुम्हें राहुल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है राहुल अंकेश, क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है क्या कर रहा है? अपनी अलग टीम बना रहे, उसमें बोल रहे तू आ जा सुजीत को छोड़ दे, क्या है ये सब? पता है तुम्हें क्या हो रहा है? सुजीत के साथ नहीं रहेगी कल को, वो तुझे भी परेशान करेगा, तुझे भी मार देगा, यही सब कह रहे हैं। ऐसे पागल है कि मार रहे हैं लोग, ऐसे ही चाहते हो तुम? इतना दिन जब नहीं मारे तो आज मारेंगे। तुमने तुमने किस लिए मारे हैं? तुमने उन्हें मारा, तुम पे भी हाथ उठाया ना, क्या रह गया? क्यों मारे ये बता, किस लिए? वो नहीं समझ रहे इस बात को कि वो तो बस गुस्से की आग में कि बस सब कुछ हम खराब कर देंगे, अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, सुजीत को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अच्छा हमें नहीं छोड़ेंगे? हाँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम नहीं जा रहे। आप पे आ गए ना तू उसे बोल दियो सुजीत इधर दिखाई नहीं देगा दिल्ली में, कोई मत आओ प्लीज, कोई ना बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर अभी हम अपना समझ गए, कुछ कर नहीं रहे हैं। जिस दिन ये समझ लिए ना पराया हमारे लिए, फाड़ के रख देंगे दिल्ली में, कोई बचाने वाला नहीं होगा उन लोगों को। परेशान हो चुकी हूँ मैं, वो अलग लड़ाई कर रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो सुजीत, तुम तो समझो ना। क्या नहीं समझ रहे हैं बता, क्या नहीं समझ रहे वो हैं? क्या कर रहे हैं उन्हें तुम समझाओ, छोटे हैं वो तुम्हारे, समझा ही रहे थे, लड़ाई कर रहे हैं वो लोग हमसे आके, तुम्हें समझा दो उनको प्लीज यार। सब यही बस यही कह रहे हैं, सुजीत को बुला लो, सुजीत को मार देंगे, सुजीत को ये कर देंगे वो कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। राहुल अंकेश ने बुलाया था मुझे कि टीम में आ जाए तू हमारे साथ, हम अलग टीम बना रहे, अलग रहेंगे, तू सुजीत को छोड़ दे, वरना कल को तुझे भी वो बर्बाद करके रख देगा, जैसे हमें मारता है वैसे तुझे मारेगा कल को, यही बोल रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम मारेंगे बिना? अगर लगता होता तो मैं चली नहीं जाती उनके साथ, ये बताओ। देख तेरे ऊपर डिपेंड करता है तुझे किसके साथ रहना, ठीक है? चाहे देख हमें अकेला रहना पड़े, हम गलत कभी नहीं कर सकते, ना ही गलत का साथ देंगे। तुम्हें किसके साथ रहना है तुम देख लो, अगर उन लोगों के साथ, अगर उनके साथ रहना हो तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती यहाँ पे बात करने के लिए? किसके ऊपर आई हूँ मैं, किसके ऊपर रह रही हूँ मैं? तुम्हारे ऊपर ही रह रही हूँ ना, कल को वो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मेरे खिलाफ हो रहे हैं कि तू उसके साथ रहेगी ना, उसी के साथ रह रही है ना तू। मैं विकास भी आने वाले हैं तो तुम तो चलो बात करेंगे उनसे। देख हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो बिना मतलब का हाथ उठेगा कुछ कर देंगे। सुजीत हाथ उठाने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या करे तू बता ना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? घर पे तो चलो तुम बात करते है ना चल के। क्या बात करेंगे उन लोग, मैं अकेली रहती हूँ कैसे? वो भी नहीं आ रहे, तुम भी नहीं हो घर में, ना घर में सेफ है ना? क्या सेफ, कौन हाथ लगा देगा घर में? कोई नहीं लगाएगा, पर तुम तो चलो ना सुजीत। जब तक विकास भाई नहीं आएंगे हम जाएंगे नहीं किसी से। सुजीत वो रूम तो हम लोगों का है ना, उसपे किसी का राज तो नहीं है ना? मेरा नहीं रहा, मेरा था किसी दिन सुजीत, तुम मेरा अकेला रूम था, हम सबको बोला सुजीत तुम चलो प्लीज चलो सुजीत, मैं परेशान हो चुकी हूँ सच बता रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सब कुछ बिगड़ गया है। तो तू ठीक है ना, रहा ना घर में, कैसे रहूं मैं? सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, यही लोग बोलेंगे कि इसकी वजह से आगे सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ नहीं बिगड़ा तेरे वैसे, चल हम आएंगे, टेंशन मत ले, विकास भाई को आ जाने दे, चलो अभी नहीं जा सकते हैं, अभी जाएंगे कुछ हो जाएगा, ठीक है? देखा ना कैसे लड़ाई करके गए वो लोग, तू देखिए नहीं पहले ये बता, देखा है मैंने, तो फिर तुम घर चलो, जाएंगे तो फिर लड़ाई होगा, नहीं तुम घर चलो प्लीज सुजीत, ज्यादा जीत उनको समझा देंगे ना, अंकेश को समझा देंगे, मुझे अरे समझने वाला नहीं है, वो तो बोल रहा है कि हमें जो मर्जी वो हम करेंगे और हम करने नहीं देंगे, तो रास्ता एक ही है लड़ाई, तुम बिगाड़ो, इसलिए हम दूर बिगाड़ नहीं रहे हैं, सब चीज सही करने वो बहुत गुस्से में आ जाएंगे, वो छोटे वो नहीं समझ रहे इस बात को बिल्कुल भी। हाँ तो इसलिए तो हम इंतजार कर रहे हैं ना विकास भाई के, आएंगे उसके बाद हम चलो सुजीत हम बात कर लेंगे ना उनसे, तुम रूम पे तो सारा चीज खराब हो जाएगा, मत लेके जा तू, ठीक है? मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, तुम चलो, कैसे संभलेगा सब, ऐसा अगर ज्यादा दिन होगा ना सुजीत सब बिगड़ जाएगा, सब कुछ नहीं संभलेगा कुछ भी, समझो मेरी बात। बोल देते हैं अपने फ्रेंड को आ जाएगा तुम्हारे पास। नहीं कोई नहीं आएगा मेरे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, और अरे मैं भेज देता हूँ, साथ में रहेगा वो लोग तुम्हारे, कोई नहीं रहेगा, तुम रहोगे मेरे साथ और कोई नहीं रहेगा। देख हम नहीं जा सकते हैं, तू बात मान मेरी, वो लोग मेरे पता है मेरे से लड़ रहे हैं तुम्हारे पीछे के, तू उसका ही साथ देगी ना, कल को देख लो तुझे भी बर्बाद कर देगा, यही चाहते हो तुम, यही चाह रहे हो ना? अरे कोई बर्बाद नहीं करेगा तुझे, मेरी बात सुन ले, मैं वो कह रहे कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, कल को तुम मेरी भी जिंदगी खराब कर दोगे, जिंदगी खराब कर दो, फिर वही तो बोल रही जिंदगी सवार है हम लोगों का, उन लोगों का भी, ठीक है? वो लोग हमसे लड़ रहे हैं सुजीत, वो नहीं समझ रहे, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम समझाओ ना, इसलिए तो हम वेट कर रहे हैं विकास भाई को आएंगे तो समझाएंगे। चलो सुजीत तुम चलो, जिद मत कर हमसे, ठीक है? हम नहीं जाएंगे, चलो बोल दिया ना, देखो बिगड़ रहा है सब कुछ, बिगाड़ो सुजीत, बहुत मुश्किल से बनाई है तुमने ये टीम,
तो क्या बहुत मुश्किल से क्या चाहते हम नई लड़ाई बात करेंगे चल के हम लोग सबसे विकास भाई आगा के वेट करते जब तक रूम पे रहते हैं विकास भाई को एक दो दिन में दो दिन में आ जाएंगे हम बात किए अकेले तो चलो ना तुम समझो ना सुजीत तू नहीं समझ रही है देख मेरी तुम नहीं समझ रहे हो सुजीत तुम अभी गुस्से में तुम यार तुझे समझ में नहीं आ रहा बात बोल रहे हैं तो जाएंगे फिर से लड़ाई होगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो लड़ाई नहीं चाहते लड़ाई करना बात कर लेंगे ना क्या बात करेगी अब लड़ाई जरूरत तो नहीं ऐसे बोल देंगे कि विकास बात ही करने के लिए बुलाते हैं उन लोगों को तो सुनो आकर लड़ाई करने लगे ऐसे बोल देंगे जब विकास भी आ जाएंगे तब हम बात कर लेंगे तुम अभी चलो अबे नहीं जाना है तू बात मेरी समझ ले ठीक है मैं समझ जाएंगे ना गलत हो जाएगा तू जा नहीं जी तुम जाओ मत सुनो तो नहीं तुम जाओ मत बात सुनो बात समझ ले ठीक है ना छोड़ मेरा नहीं लगा देंगे तुझे समझ में नहीं आ रहा है चाटा मार लो तुम मुझे मार लो उनका गुस्सा तुम मुझ पे उतार लो पर उनपे मत गुस्सा करो दोनों पे वो छोटे हैं छोटा है तभी लियाज कर रहा है उन लोगों का तो मत मारो तभी नहीं जा रहे हैं समझ में आ रहा है तो मत मारो छोड़ दो वो बच्चे समझ के उनको छोड़ दो वो इसलिए तो नहीं जा रहे तुम्हारे भेज में समझ में नहीं आ रहा है क्यों तो नहीं ऐसे जा बोल देंगे ना हम उनसे बोल देंगे देखो जब विकास भी आ जाएंगे तब बात कर लेंगे हम उनसे मत जाओ देख बारूद और तिल्ली में कभी दोस्ती नहीं होता है बारूद रहेगा ना ना तुम बारूद हो ना वो तिल्ली है तुम दोनों सब इंसान साथ में रहेंगे ना तो देख लड़ाई होना बनता है नहीं होगी लड़ाई तो मेरी तो मानो मेरी तो दो दिन में क्या बिगड़ जाता है पहले दो दिन में क्या बिगड़ जाता है पहले बता दो दिन में कुछ बिगड़ जाएगा वो और गुस्से में आ जाएंगे दोनों वो तो और समझाना वो नहीं सुन रहे मेरी विकास भाई आएंगे सब चीज ठीक हो जाएगा उनके सामने सब लोग बात करेंगे तुम जब तक कितने दिन अगर वो नहीं होते मेरे साथ तब हम हमें जो डिसीजन हमें जो डिसीजन लेना होता वो हम लेते ठीक है तुम घर चलो सुजीत प्लीज तुम घर चलो नहीं प्लीज ना चलो जा नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी अपने जाने दूंगी तुम इतने दिनों से तो घर आए नहीं हो अब फिर जा रहे हो तो इसीलिए बुलाई है अगर नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आ जाती अच्छा था कि हम कॉल नहीं उठा रहे थे तुम्हारा तो क्यों नहीं उठा रहे थे इसी वजह से मेरी क्या गलती है इतना बता दो मेरी गलती क्या है मैंने कुछ बिगाड़ा है मेरी गलती बता दो तुम मेरे को क्यों सजा मिल रही है अरे गलत मेरी बात सुन दो दिन तो रुक जाए इंतजार कर ले मैं बोल रहा हूँ ना जब सब ठीक जब तक वो दोनों और गुस्सा हो जाएंगे और अपने आप ने बदले की आग पता नहीं क्या बोलो सुजीत को नहीं छोड़ेंगे तुम आने दे हम भी नहीं छोड़ेंगे उनको आ जाने दे अगर उनमें दम है ना मेरी बात सुन नहीं अगर उनमें दम है ना तो वो आके हमसे मिले उसके बाद हम बताएंगे उनको क्या है क्या नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें हां छोड़ नहीं सुजीत समझो तुम बात समझ मेरी बात समझो बात तू जा नहीं मैं नहीं जा रही मैं तुम्हें भी नहीं जा रही चाटा लगा देंगे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उनका गुस्सा मुझ पे उतार लो मुझे मार लो तुम कोई बात नहीं मार लो देख हमें घर नहीं जाना है पहली बार क्यों नहीं जाना ऐसे ही नहीं जाना है नहीं अभी हम जा नहीं सकते जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा तो मैं उनसे बात कर लूंगी तुम उनसे बात तू बात कर नहीं तुम मत जाओ सुजीत नहीं मत जाओ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा नहीं आ रहा देख गुस्सा आ रहा है हम पे ठीक है ना तुम मुझ पे उतार लो अपना गुस्सा प्लीज उतार लो तुम मुझे चाटना लगा दो तुम मार लो तू समझ नहीं रही है तुम्हें जाने क्या चीज चल रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है पर तुम घर चलो चलो घर चल के हम बात कर लेंगे हम आएंगे दो दिन बाद नहीं मैं जाने नहीं दूंगी सुजीत नहीं जा आए थे ना उस दिन होली के एक दिन पहले लड़ाई हो रहा था तू तो आए थे या नहीं आए थे ना एक घंटे के तब तो लड़ाई नहीं हुई ना तब नहीं लड़ाई हुई ना तुम्हें तुम जो दोनों नहीं बोले ना वो बात की बात थी हम रूम पे चल के बात कर लेंगे सबसे मैं उनसे बोल दूंगी कि वो तुमसे बात ना करे तुम मत बात करना दो दिन में विकास भी आ जाएगी सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा दो दिन इंतजार कर हमें आने दो दिन जब तक वो बहुत गुस्से में हो जाएंगे नहीं सुजीत नहीं नहीं जाने दूंगी प्लीज नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तुम रूम पे चलो मेरे साथ सुजीत मत खराब नहीं तुम नहीं जाने दो बोल दिया ना मैं नहीं जाने दूंगी तो नहीं जाने दूंगी छोड़ दो बस हाँ छोड़ तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है प्लीज छोड़ दे देख बात समझ मेरी बात सुन जाएंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा लड़ाई हो जाएगा तू बात समझ मेरी बात सुन इंतजार इंतजार कर लिया दो दिन और रुक जा मैं बोल दी ना दूसरे दिन आ जाएंगे जैसे विकास भाई आएंगे हम आएंगे तुम दो दिन बाद आओगे दो दिन इंतजार कर ले हाँ दो दिन हम बोल दिए ना फिर तुम आ जाओगे बोल दिया ना एक बार जो बोल दिए सब बोल दिए जब तक जबान खाली नहीं जाता है मेरा और जब तक क्या करोगे जब तक तुम दो दिन तू रुक हम दो दिन बाद में आ रहे हैं विकास भाई जैसे आएंगे फिर वो और गुस्से में हो जाएंगे दोनों कोई गुस्सा नहीं होगा हम लोग बात कर लेंगे जैसे भी होगा ठीक है फिर सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा टीम ठीक हो जाएगी पक्का दो दिन रुक जा नहीं समझ रहे हो तू समझ मेरी बात सुन दो दिन आ जाने दे विकास भाई देख अभी सारी चीजें खराब हो रही है वो लोग लड़ाई के मूड में जाएंगे तो लड़ाई होना ही है ठीक है तो दो दिन रुक जा इंतजार कर दो दिन बाद में सब चीज ठीक हो जाएगा
तू जा, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, तू अपना ध्यान रख, दो दिन तुम भी ध्यान रखना अपना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं समझ रहे राहुल और अंकित बहुत गुस्से में हो रहे हैं, वो दोनों समझ नहीं रहे, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं।